आप लोगों को एक छोटी सी सूचना मैं देना चाहता हूँ। 14 तारीख से एक आपका नया टॉपिक शुरू होने वाला है, ठीक है। शायद 14 जुलाई को मुझे लगता है संडे है ना। संडे में दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका वर्कशॉप सेशन होगा, एक ठीक है निशुल्क कार्यशाला सेमिनार टाइप में। तो आपका यहाँ पे आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ नया टॉपिक भी प्रारंभ होगा, मैं वही चीज़ें बताने वाला हूँ। निशुल्क कार्यशाला आपकी, तो आप उसमें आ सकते हैं, आप लोगों का स्वागत है। ये रहेगी आपकी 14 जुलाई को। दूसरा टॉपिक चालू हो रहा है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल का टॉपिक आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषय वस्तु समाप्त हो रही है और उसकी जगह रिप्लेस किया जा रहा है, इस टॉपिक को लाया जा रहा है विश्व भूगोल का। इसमें भौतिक भूगोल भी सम्मिलित होगा। तो ये आपका शायद मंडे को आपका करंट अफेयर्स होगा और ट्यूसडे से चालू होगा। 16 को चीज़ें आपको जो भी हैं बताई जाएंगी। और इसमें जो है फिर आपका ये अभी से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी से आप इसके बारे में कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या क्या पढ़ना है? पहले तो 6, 7, 8 की ओल्ड NCERT थी। 6, 7, 8 की ओल्ड NCERT आपको थी। ये 6, 7, 8 की जो ओल्ड NCERT थी, इसमें लास्ट में चैप्टर दिए गए हैं कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए, है ना। सारे कॉन्टिनेंट है उसमें, यूरोप भी है, अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया, सारे कॉन्टिनेंट है सारे। सिर्फ इतना कर लो, 6, 7, 8 के NCERT अभी जितना टाइम है आपके पास अभी से शुरू कर सकते हो, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। मैप सब लोग खरीद लें, स्टडी टुडे पब्लिकेशन का सबके पास मानचित्रावली रहे उस अवधि में। और इसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे, मतलब कंप्लीट का मतलब है कि पूरा का पूरा विश्व का अध्ययन होना है, विश्व का मैपिंग में अध्ययन, पूरे देश कहाँ पे, राजधानी कहाँ पे, फिर एक एक कॉन्टिनेंट लेके उसका पहले राजनीतिक अध्ययन, राजनीतिक के बाद उसका भौतिक अध्ययन, जिसमें नदी पहाड़ ये सब जहाँ जहाँ पे जो जो लोकेशंस हैं। तो ये टॉपिक आपका शुरू हो रहा है, इसलिए 14 तारीख को पहले तो वर्कशॉप में आप लोग उपस्थित रहेंगे, इसके बाद आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा, इसलिए ये चालू कर दीजिए। 6, 7, 8 वाला जो डेट ये NCERT है, ये अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि उस समय इजी हो जाए। किताबें जो भी होंगी उसी समय बताई जाएंगी सेशंस में, ठीक है। तो ये जो है आपकी जिम्मेदारी है, 14 तारीख को आप सभी को उपस्थित होना है और नया टॉपिक आपको उसी दिन से मिलेगा, ठीक है। चलिए ये